Assalamualaikum, grade 3. This is your online English class. Today is June 22nd, 2020, and the day is Monday. It's your week 3, and the day is 1. Today, our topic is which we are going to discuss use of do and does. Do and does. Before we are going to start the topic, we must revise pronoun. What is pronoun? आपने ग्रेड टू में पढ़ा था ना, प्रोनाउन क्या होता है? A word which we use instead of noun like he, she, it, they, you, we, etc. वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं, he, she, it, they, you, we, etc. ये क्या है? ये प्रोनाउन है. अब इनको डू और डज के साथ हमने कैसे मैच करना है? किन वो कौन से प्रोनाउन है जिनके साथ डू यूज होता है और कौन से प्रोनाउन है जिनके साथ डज यूज होता है, ये आपने याद रखना है. यू हैव टू कीप इट इन माइंड फॉर योर होल लाइफ दैट विद द प्लूरल प्रोनाउन एंड ओनली विद आई यू विल यूज डू. दे, वी, यू एंड आई, दे आर प्लूरल प्रोनाउन. आई इज अ सिंगुलर बट इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, सो वी यूज डू विद देम. ठीक, आप क्लियर रखें कि डू आपने यूज करना है किसके साथ? दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड आई के साथ. एंड द नेक्स्ट द वर्ड डज, डज आपका यूज होता है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ. जब वन पर्सन के लिए आप बात कर रहे हैं या वन ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? डज. लाइक ही, शी, इट, दीज आर सिंगुलर प्रोनाउंस प्रोनाउंस एंड वी यूज डज फॉर इट. इज इट क्लियर? मे आई रिपीट इट अगेन? डू वी यूज विद दे, वी, यू एंड आई, एंड डज वी विल यूज विद he, she, it. Fine. Now come on and open your books hurriedly, please. Page number 12 of your Write English class book. Page number 12. See how do use they, we go to school. Now when you are going to make a question, how do you go to school? How do they go to school? How do we go to school? How does he, she, it go to the mall? How does he go to the mall? How does she go to the mall? How does it? No, it will not come here because it we use it for non-living things or for animals. Fine? Fine. See, when we are going to answer how do you go to school? आप कैसे स्कूल जाएंगे? How you answer? I go to school by bus or I go to school by car. Then how they go to school? They go to school by bus because they तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, दे तो ज्यादा लोग हैं, कार भी नहीं जा सकते, तो वो they are going by bus to school. How do we go to school? हम कैसे स्कूल जाएंगे? We go to school by car or by bus. Same like it, how does he go to the mall? Now he है तो verb के साथ हम एस और ई एस को ऐड कर देते हैं. जी, ही गोज टू द मॉल बाय टैक्सी और ही गोज टू द मॉल बिकॉज वी नो ही है तो ही तो जरूर डेफिनेटली किसी बॉय या मैन के लिए यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ही गोज टू द मॉल बाय बाइक. सेम इसी तरह आपने ये क्वेश्चंस और आंसर्स
अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करने हैं. नाउ लेट्स रीड द रेस्ट ऑफ द पेज. हाउ डू दे गो टू स्कूल? दे गो टू स्कूल बाय बस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू. सी यू आर वॉचिंग टू पीपल ना, सो दे आर गोइंग, वी यूज डू विद देम. हाउ डू यू गो टू द मॉल मॉम? नाउ शी इज आस्किंग अबाउट टू हर मॉम हाउ यू विल गो टू द स्कूल, हाउ यू विल गो टू द मॉल. सो मॉम रिप्लाइड, आई गो टू द मॉल बाय टैक्सी. मॉम विल हायर अ टैक्सी एंड गो टू द मॉल फॉर शॉपिंग. हम मॉल क्यों जाते हैं? आप भी जाते हैं ना अपनी मामा के साथ मॉल? क्यों जाते हैं? शॉपिंग के लिए. ठीक है, तो मामा भी मॉल जा रही है टैक्सी हायर करवा के शॉपिंग के लिए. लेकिन आप सी यू है तो यू के साथ हमने क्या यूज किया है? डू. हाउ डज शी गो टू स्कूल? नाउ शी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, सो हम उसके साथ क्या यूज करें? डज. हाउ डज शी गो टू स्कूल? शी गोज. सी अब ये डू का ईएस यहां पे आ गया वर्ब के साथ. शी गोज टू स्कूल बाय कार. क्लियर? सो सेम ऑन पेज नंबर 13. हाउ ऑफन, कितना ज्यादा, या हाउ ऑफन डू यू वॉक टू स्कूल? आप कितनी दफा जाते हैं? आप रिप्लाई करेंगे, आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल. Fine. So this is very easy task. When you read the rest of the page, you get the answers and you have to practice it on your English notebook. How often do they walk to school? They always walk to school. They never ride their bikes to school. वो कभी अपनी bicycles पे नहीं जाते. हमेशा कैसे जाते हैं? Walk करते हुए school जाते हैं. Now see, how often does he ride a motorcycle to work? क्या वो काम अपने काम पे मोटरसाइकिल पे जाता है? He usually rides a motorcycle to work. हाँ, ज़्यादातर वो मोटरसाइकिल पे जाता है. He sometimes takes a taxi. कभी कभी वो टैक्सी ले लेते हैं जब उसके बाइक के साथ कोई प्रॉब्लम होता है. How often do they take the subway to work? सबवे बेटा ये यूरोपियन कंट्रीज में अंडरग्राउंड ट्रेन्स होती हैं. ठीक है, अभी हमारे मुल्क में तो नहीं है, लेकिन जितने यूरोप के कंट्रीज हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन्स होती हैं जिनको सबवे बोलते हैं. तो हाउ ऑफन, दे के साथ क्या यूज हो रहा है? डू. दे ऑलवेज टेक द सबवे टू वर्क. वो हमेशा कैसे जाते हैं? सबवे के थ्रू जाते हैं. दे नेवर टेक अ बस. वो बस पे नहीं जाते. सो व्हाट यू लर्न on these two pages, you will ride a bike, you will take a bus. When you are going, your personal, ठीक है, आप अपनी जब personal vehicle को use करोगे तो उसके लिए ride और drive का word use करोगे, और जब आप hire करोगे तो उसके लिए take का word use करोगे. Like ride a bike, take a bus, take a taxi, ride a scooter, take a train, take the subway. Clear hua? Clear hua? Ji. Clear means? जब भी आप अपनी bicycle, अपनी personal car या अपना bike use करेंगे तो उसके लिए आप ride का word use करेंगे. और जब आप कोई हायर करेंगे, कोई भी व्हीकल हायर करेंगे ट्रैवल करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, तो उसके लिए आप टेक का वर्ड यूज़ करेंगे. राइड अ बाइक, टेक अ बस. बस तो आप वाले को तो आप फेयर देते हैं ना. सो कम हेयर. नेवर, आप देखिए नेवर का आगे ब्लॉक बिल्कुल वाइट है. वाइट है ना, इट मीन्स इट विल नेवर हैपन. ये कभी भी जो काम ना करना हो. इट मीन्स नेवर, रेयरली, समटाइम्स, कुछ थोड़ा थोड़ा जो काम हो. समटाइम्स, रेयरली से थोड़ा ज़्यादा, और यूजुअली से थोड़ा कम. कभी कभी जो आप काम करते हैं, रेयरली बहुत कम, और समटाइम्स थोड़ा कम. यूजुअली आमतौर पे जो आप
अपनी रूटीन में काम करते हैं उसके साथ आप वर्ड यूज़ करते हैं यूजुअली ऑलवेज और हमेशा जो आपकी एक रूटीन होती है, जैसे आपका मॉर्निंग टाइम है, यू एक सेम टाइम पे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं 7:30 और 7 o'clock और 6:30, तो आप कहेंगे आई ऑलवेज वेक अप एट 6:30 AM. जी, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आप डू और डज की एक वर्कशीट लेंगे जो आपने अपनी नोटबुक पे कॉपी करनी है. होप आपको यूज ऑफ डू एंड डज क्लियर हो गया होगा. यस प्रिटी, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अस बाय कमेंट और बाय अ वॉइस मैसेज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.